Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MD and MS program of Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. But before entering into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences established in 1983, ये एक private institute है. Accreditation और ranking को देखें, it is approved by MCI and ranked 5 by NIRF in 2021. Moving on to courses and fee structure, तो ये offer करता है MD और MS course और ये offer करता है अलग अलग specializations में जैसे कि anesthesiology, microbiology, nuclear medicine, pathology, radio diagnosis, radiotherapy, transfusion medicine and emergency medicine में ये MD offer करता है और MS offer करता है ये ऑप्थल्मोलॉजी में. अगर फीस स्ट्रक्चर को देखें तो इसका थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर आपको ध्यान से समझने की जरूरत है. सबसे पहले आपको एडमिशन फीस देनी होगी 5000 रुपीस की. ये सिर्फ वन टाइम फीस रहेगी जब आप एडमिशन लेते टाइम देंगे. इसके बाद कोर्स फीस जो रहेगी वो हर ईयर रहेगी 35000 रुपीस पर एनम की. देन इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आपको सिर्फ थर्ड ईयर में देनी पड़ेगी 2500 रुपीस की. आप स्क्रीन पे ये सारा पूरा देख सकते हैं और पॉज करके पढ़ सकते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए. फिर आपको एनरोलमेंट फीस देनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में 500 रुपीस की. अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में और कौन सी फीस देनी पड़ेगी तो आपको कॉशन मनी देनी पड़ेगी 20,000 रुपीस की जो रिफंडेबल रहेगी. उसके बाद लाइब्रेरी चार्जेस रहेंगे 500 रुपीस पर ईयर के. अगर हम बात करें डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फीस की तो आपको सिर्फ थर्ड ईयर में देनी पड़ेगी और थर्ड ईयर में आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट फीस भी देनी पड़ेगी. तो अगर हम बात करें टोटल फीस की तो फर्स्ट ईयर में आपको 61,000 रुपीस देने पड़ेंगे. सेकेंड ईयर में आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो रहेगी 35,500 रुपीस की एंड थर्ड ईयर में 38,600 रुपीस की. इसी में आप 1,800 रुपीस का हर साल का मेडिकल फीस जो है वो ऐड कर सकते हैं, मेडिकल सब्सक्रिप्शन फीस जो है ऐड कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ को कि कौन सी स्पेशलाइजेशन से कितना कट ऑफ गया है. तो अगर हम बात करें रेडियो डायग्नोसिस की तो जनरल कैटेगरी के लिए 64 रैंक गई थी लास्ट ईयर, ओबीसी के लिए 270 रैंक गई थी. एनेस्थीसियोलॉजी में यही जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी जनरल कैटेगरी के लिए 8720 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 13134 और एससी कैटेगरी के लिए थी 22870. अगर न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए थी 2862 एंड ओबीसी के लिए थी 5512. इम्यूनो हिमोटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 16017. अगर रेडियोथेरेपी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो उसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9954 एंड एससी कैटेगरी में थी 10206. अगर हम बात करें पैथोलॉजी की तो एससी कैटेगरी में पैथोलॉजी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 34477 एंड एसटी कैटेगरी के लिए थी 49488. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमडी और एमएस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.